राहुल और मेरे चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विजन 11 में जो आपको पैन कार्ड प्रॉब्लम आ रही है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसका आज ये वीडियो बन रहा है। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड दोस्तों सेम प्रोसेस, अगर आपको पैन कार्ड वेरीफाई हो गया है बट बैंक डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपको सेम प्रोसेस भी वहाँ पर वैलिड होगी। अगर आपका दोस्तों अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो जब आप विड्रॉल पर क्लिक करोगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देता है, इंस्टेंट विड्रॉवल और नॉर्मल विड्रॉवल। यानी कि अगर ये ऑप्शन अगर आपको शो हो रहा है तो मान लो कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया हुआ है। ओके, सो अब आपने अपना अकाउंट डिटेल्स डाल दिया। आपको अकाउंट डिटेल्स कहां से डालना है, यहां पे आना है, थ्री डॉट पे जाना है और यहां पर आपको वेरीफाई अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पर जाकर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई यहां से कर लेना है। बट दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने पैन कार्ड डाल दिया और कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर अंडर रिव्यू बता रहा है 4 दिन 5 दिन से, ओके, या फिर पैन कार्ड आपने डाला, पैन कार्ड वेरीफाई हो गया बट बैंक डिटेल्स जो आपने डाला है वो अंडर रिव्यू बता रहा है 4 दिन 5 दिन से, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। सो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप समझो आपको क्या क्या करना है। पहले तो आप अपना डिटेल्स सब डाल देना एंड सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर एंड यहाँ वाले ऑप्शन पर जाना है अपने प्रोफाइल पे, मतलब कि आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों अकाउंट वेरीफाई करने से पहले आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर जाना है। एंड दोस्तों जो भी अकाउंट से आपको आपका अकाउंट वेरीफाई करना है वो नाम, मतलब कि जो पैन कार्ड हो और बैंक डिटेल्स में जो नाम हो वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और यही नाम दोस्तों आगे जाके चेक होता है। सो अगर आपने ये नहीं डाला है तो हो सकता है आपका अकाउंट वेरीफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए। सो आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन डाल देना एंड दोस्तों डालने के बाद फिर उसको आप सबमिट पर क्लिक करके, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके सबमिट कर देना और देन बैक कर देना। यहाँ पर आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। नाम होने के बाद आपने डाल दिया, इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए यानी कि पैन कार्ड डाल दिया। और दोस्तों पैन कार्ड आप जब भी क्लिक करो फोटो तो एक हाई क्वालिटी पैन कार्ड इमेज आप डालो, मतलब कि आप पहले मोबाइल से एक अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर लो और उसके बाद अगल बगल का जो भी बैकग्राउंड है उसको आप क्रॉप कर दो। क्रॉप करने के बाद फिर जो पैन कार्ड का फ्रंट पेज का जिसमें आपका फेस, आपका पैन कार्ड का नंबर, ये सब एकदम क्लियर शो होना चाहिए। अगर वो सब क्लियर शो हो रहा है और अगर उसमें आपका नाम, आपने जो नाम डाला है और पैन कार्ड पे जो नाम है दोनों एक है तो आपका अकाउंट उसी टाइम वेरीफाई कर दिया जाएगा। बट दोस्तों कंपनी को क्या चाहिए कि एकदम जो पिक्चर है वो विजिबल हो और अच्छे क्वालिटी में उनको दिख जाए साफ साफ, मतलब कि उनको लगे नहीं कि इन्होंने कुछ फ्रॉड एक्टिविटी की है। अब दोस्तों ये तो हो गई, पैन कार्ड हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि पैन कार्ड वेरीफिकेशन पर आपने लगा दिया है और अगर पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं हुआ, सो दोस्तों पहला बात तो आप ये समझ लो क्योंकि एप्लीकेशन अब जाके बड़ी हो गई है, मतलब छोटी एप्लीकेशन थी, न्यू 4-5 यूज़र थे, 1-2 हज़ार यूज़र थे तो आपको तुरंत एप्लीकेशन में वेरीफाई हो जाता था यानी कि 24 आवर में। बट दोस्तों अब क्या है कि एप्लीकेशन में ट्रैफिक बहुत है, पर डे हज़ारों यूज़र इसमें अपना अकाउंट वेरीफिकेशन के लिए डालते हैं और सबको एक एक करके चेकआउट किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि टाइम लग जाता है, मैक्सिमम 7 डेज लग जाते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 7 डेज जिसमें आपको अकाउंट वेरीफिकेशन के लग जाते हैं। ओके, सो अगर 7 दिन बाद भी अगर आपका अंडर रिव्यू शो हो रहा है तो आप समझ लो कि आपने कुछ डिटेल्स में गलती की है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको आना है मोर वाले ऑप्शन पे और यहां पे कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पे आपको आना है और आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इस पर आपको मैसेज डाल देना है कि प्लीज़ वेरीफाई माई अकाउंट एंड अपना रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भेज देना और वहाँ पर भी आप पैन कार्ड का इमेज भेज देना। ओके, सो चैट विथ अस का भी इसमें एक ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप हाई करके कंपनी से बात कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोट है, सो बोट से हमें कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आप बैक कर लो, इसमें आप मैसेज वैसेज मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होंगे, ये आपको बस कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सो आप इस पर एक मेल डाल देना, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डाल देना, इंस्टाग्राम पर कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, रिप्लाई मिल जाता है, फेसबुक पर एक मैसेज डाल देना, अगर लास्ट में अगर फिर भी कुछ ना हो ना दोस्तों ट्विटर जिंदाबाद, ट्विटर पर एक ट्वीट किया हुआ तो दोस्तों अच्छा अच्छा लोग तुरंत सुन लेते हैं, ट्विटर पे आपका बात तुरंत सुन लिया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेल, ये तीन पे आप क्या करना कि सर को बोलना कि सर प्लीज़ वेरीफाई हमारे अकाउंट और मेरा अकाउंट इतने दिन से अंडर रिव्यू बता रहा है ऐसा कुछ, या फिर रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हुआ रीजन कुछ नहीं है चूँकि इसमें आपको रिजेक्ट नहीं आता है, बस डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो आप कंपनी से डायरेक्टली बात कर लेना और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको 7 दिन का वेट नहीं करना पड़े और तुरंत हो जाए तो आप जैसे ही अपना अकाउंट डिटेल्स डालो,
आप 24 आवर वेट करो, 24 आवर में अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप फिर जाके कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेना और कहना कि सर प्लीज़ जल्दी से मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दीजिए, और आपका दोस्तों कर देंगे, चूँकि चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन वाला चाहता है कि ये बंदा मेरे में खेले। सो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट तुरंत वेरीफाई हो जाता है दोस्तों। सेम पैन कार्ड पर है, पैन कार्ड वेरीफाई के बाद आप बैंक डिटेल्स डाल सकते हो। सेम पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स दोनों पे सेम प्रोसेस अवेलेबल है, दोनों में आपको सेम प्रोसेस का यूज करके करना है। अब देखो पैन कार्ड तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, अधिकतर का पैन कार्ड वेरीफाई हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है उनको बैंक डिटेल्स में। सो दोस्तों अगर आप बैंक डिटेल्स डालते हो अकाउंट वेरीफाई के लिए, तो आपको क्या करना है कि जब आप बैंक डिटेल्स डालोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि जो आपका पैन कार्ड में जो नाम था, जो आपके प्रोफाइल में जो नाम था, वही नाम आपके बैंक डिटेल्स में होना चाहिए। अगर अलग हुआ, चूँकि मैंने बहुत से कॉमेंट देखे कि भैया मैंने अपने पापा का पैन कार्ड डाला है, क्या मैं अपना बैंक डिटेल्स डाल सकता हूँ, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट पहला तो ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा, सेकंड हो सकता है ब्लॉक हो जाए और आपका विनिंग अमाउंट भी फंस जाए। तो पहले तो आप जब भी एप्लीकेशन में ज्वाइन हो, सबसे पहले आप अपना अकाउंट वेरीफाई करो विदाउट प्ले किए हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ बिना प्ले किए हुए अपना अकाउंट वेरीफाई करो। ओके, सो सेम डिटेल्स होना चाहिए, पैन कार्ड बैंक डिटेल्स दोनों में सेम डिटेल्स होना चाहिए, प्लस आपके प्रोफाइल में जो नाम है वही नाम होना चाहिए, तभी आपका वेरीफाई हो जाएगा। सो आप अपना बैंक डिटेल्स डाल देना। बैंक डिटेल्स डालने के टाइम आप फोटो डालना होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फोटो ही होता है, क्योंकि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी फिल कर दिया है तो फोटो से वो मिला के वो बहुत से कस्टमर सपोर्ट होते हैं वो खुद एडिट कर देते हैं, बट अगर आपका फोटो ही गलत है तो कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर देंगे। सो आप फोटो का क्या क्या डाल सकते हो, पासबुक में आपको बैंक डिटेल्स में आप पासबुक का फ्रंट पेज डाल सकते हो। पासबुक के फ्रंट पेज का अच्छे से फोटो क्लिक करना होता है, लंबा पेज होता है जिसमें आपको दो पेज होती है, फर्स्ट पेज में एक में आपका फोटो होगा, दूसरे नीचे में आपका पूरा बैंक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगा। वो सब आप क्लिक करके, आप अच्छे से क्लिक करके, अच्छे क्वालिटी से क्लिक करके उसको क्रॉप करके अच्छे से तब आप डाल सकते हो दोस्तों। एक तो ये होगा, सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है क्या कि आप डाल सकते हो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप डाल देना, बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं बड़े आसानी से, बहुत से एप्लीकेशन आते हैं जो आपके बैंक डिटेल्स निकाल देते हैं, या फिर आप चाहो तो अपने बैंक में जाके भी ले सकते हो, एंड आपके पासबुक में भी बैंक स्टेटमेंट होता है। एंड दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है वो है चेकबुक, एक कैंसिल चेकबुक आप डाल सकते हो। कैंसिल चेकबुक क्या होता है कि चेकबुक है आपका चेक हुआ जिसमें आपका नाम होता है, आपका IFSC कोड होता है और आपका अकाउंट नंबर होता है। सो चेकबुक को कट कर देना, ऐसे एक कट, ऐसा नहीं कि बहुत से कट मार दिए, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बस एक कट करना है जिससे वो कैंसिल हो जाए। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर वो वाला चेक अपलोड कर दोगे दोस्तों। चेक से बहुत जल्दी अकाउंट वेरीफाई होगा, क्योंकि दोस्तों चेक तो पहला बार छोटा सा होता है और उसका फोटो भी आसानी से आ जाएगा, तो आप चेक डिटेल्स भी डाल सकते हो दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आनी ही नहीं चाहिए दोस्तों, यही सेम जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो यूजर को आती है, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे मैसेज करो, हो सके तो मुझसे जितना हो मैं उतना कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करो, मिलते हैं स्टूडियो में, पापा धन शौक है, लव यू ऑल।